अपन जा रहे हैं आज हेलियोडोरस पिलर। सलमान मतलब जवानी फिर ना आए। कांटे को तोड़ के और सिलबट्टा जो रहता है ना अपना, नहीं वो कॉम्बिनेशन तो बनाते हैं। जैसे जंगल में हो, अब नहीं है कोई ड्रग तुम्हारे पास, तो बेर की पत्ती को लो, उसको कुचल लो और अपने घाव को पानी से अच्छे से साफ करके उसका पेस्ट लगा दो। कौन सा गाना बजा रहे हो? दीपक कलाल का टोरा, ताकि अपन यहीं से उसको रेगुलेट कर पाए। आ गए जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 150 साल पहले। बाप 2000 साल पुराना है, बाप रे खतरनाक यार। उमर भाई नहीं, उसके कारण तो वो आत्मा बन जाती हैं, तो अपनी आत्मा से मिलाकर इस तरीके से वापस करना पड़ता है। कोई भी पौधा तुमको देखने में आकर्षक लग रहा है, उसका 99% मतलब ये रहता है कि जहरीला। यही लॉजिक इंसानों में भी लागू होता है। गजब, अरे तो बहुत सुंदर है यार। गौतम को जीवन की व्यर्थता का अनुभव हुआ। यार हेलो 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 दोस्तों, आज फिर से संडे है, संडे फंडे। जो व्लॉग लास्ट टाइम डाला था वैसे ही कुछ आज करेंगे और निकलेंगे अभी। लेकिन आज कहीं हम जा रहे हैं कुछ जगह देखने। जैसे पुराने व्लॉग्स में मम्मी मौसी लोग रहते थे तो हम लोग कहीं जाते थे ना, तो इस बार जा रहे हैं, पर मम्मी लोग नहीं है इस बार, हम लोग दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो शुभेंदु है और मनीष भैया है पुराने ब्लॉग की तरह। पुराने ब्लॉग में तरुण था, इस बार शुभेंदु है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है तो वो नहीं आ पाया। नहीं तो हम लोग 4-5 लोग हो जाते। बढ़िया, वो भी हो जाते, आज 5 हो जाते और मजा आ जाते। तो कोई बात नहीं, तो अगले संडे हो जाएंगे। तो यार बेटू दादा, तुम खुलासा कर दो फटाक से कि कहाँ जा रहे हैं। अभी खुलासा मत करवाओ यार, अभी खुलासा मत करवाओ। क्यों? अभी अपन पहले सबको उठा ले। अच्छा, अभी जा रहे हैं, पहले मनीष को ले लेते हैं, फिर उसके बाद शुभेंदु को ले लेते हैं, फिर जब सब बैठ जाएंगे, फिर नीचे की भी दोनों सीटें जब भर जाएंगी, तो फिर उसके बाद खुलासा करने में, चौंकाने में फिर मजा आता है। ऐसा दो लोग और चौंकेंगे। सही बात, अभी क्या है, हम तो चौंकेंगे नहीं, हमें तो पता है, तुम अकेले चौंकोगे। इन लोगों को मजा नहीं आएगा तो ऐसे, तो तुम अकेले चौंकोगे। अच्छा, सफर का सफर का ही था मैं, सफर का रहा। वैसे ही लग रहे हो तुम। रिवील कर दे क्या अपन? रिवील कर दो कहाँ जा रहे? अरे रिवील ऐसा कर रहे हैं कि मुझे भी नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम ऐसा है ना। अपन जा रहे हैं आज हेलियोडोरस पिलर। हेलियोडोरस पिलर क्या है? पिलर है, पिलर आर्कियोलॉजिकल। अच्छा, बहुत पुराना है। हाँ, मतलब वो वाला। दूरी कितनी होगी? दूरी इसमें लिखी है 1 घंटा 49 मिनट की दूरी है, तो मतलब कितना दूरी निकला ये? वही 74.5। हाँ, 71 किलोमीटर है और विदिशा के पास है, तो अपन विदिशा पहुँच जाएंगे। विदिशा से आगे ही, विदिशा से आगे ही पहुँच जाएंगे। उधर से साजे स्तूप भी देख लेंगे। अरे वो तो ऐसे ही दिख जाता है स्तूप में का। मैं चश्मा चेंज कर लूँ? चश्मा मतलब मैं ब्लैक पहनता हूँ हमेशा, तो मैं सोच मैंने रहा हूं, तो चश्मा चेंज किया फिर वापस ही लगा दिया। इस बार ये वाला पहन लूँ क्या मैं? ये ज्यादा से है? मतलब सलमान खान पहन लो। कॉमेडी आ रही है। नादिर अली लग रहा है। नादिर अली सलमान मतलब जवानी फिर ना आए। हाँ, तुम नादिर अली ज्यादा लग रहे हो। सलमान मत जाओ तुम इतना दूर। मैं नहीं, सलमान का चश्मा है ना। अच्छा, सलमान शर्ट भी उतारना कंपलसरी है। नहीं, शर्ट उतार देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कौन सा गाना बजा रहे हो? दीपक कलाल का टोरा। दीपक कलाल का टोरा, come on। क्या दिक्कत आ रही है यार, ये फोर व्हील लो छोड़ क्यों नहीं रहा? ये फोर लो पकड़ ले रहा है यार, पता नहीं क्यों फोर लो पकड़ रहा है। तो ये दिक्कत अभी अचानक कैसे आ गई? शुभेंदु के बैठते ही अचानक से फोर व्हील लो। अब मैं बैठूंगा तो चालू भी हो जाएगी। हाँ वही है।
तो क्या लगता है तुम्हें, थोड़ा टाइम दोगे तो हो जाएगी? ऐसा मैंने ऐसा पहले भी किया है। अच्छा, थोड़ा 5-10 मिनट छोड़ दो तो अपने आप सब सही हो जाता है ऐसा? तो यार 10 मिनट के टाइम पास में कुछ ज्ञान भरी बातें सुन लेते हैं बेटू दादा से। ज्ञान भरी बात ऐसी है कि देखो, ये जो पेड़ है ना, ये सेमल का पेड़ कहलाता है। कौन सा वाला? ये कांटे कांटे वाला। अच्छा, वो कांटे वाला जो है, ये सेमल का पेड़ है। ठीक है, तो इसमें जो तने में देख रहे हो, ये कांटे हैं। हाँ, दिख रहे हैं ना। तो इनका जो पाउडर है, इसको मुहासों में यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे किसी को मुहासे वगैरह होते हैं ना, तो इसको कांटे को तोड़ के, और सिलबट्टा जो रहता है ना अपना, तो सिलबट्टे में ऐसे घिसोगे एक बूंद पानी डाल के, हाँ, तो वो पाउडर एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। फिर उस पेस्ट को आप चेहरे पे कॉम्बिनेशन के साथ लगाते, मतलब प्योर ये नहीं लगाते, तो उससे फिर जो चेहरे के मुहासे हैं ना, ये सब ठीक हो जाते। मतलब जो इन्फेक्शन वाले मुहासे रहते हैं, टीनेज वाले मुहासे नहीं, टीनेज वाले तो होते ही, लेकिन पैथोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसमें वो अच्छा काम करता है। तो उस कॉम्बिनेशन को कुछ बोलते होंगे? नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो बनाते हैं, अगर वो प्रॉपर पेशेंट जैसे तुम्हारा चेहरा है, इसमें कॉम्बिनेशन बनाएगा, उसमें सेमल कांटा डाल दे, तो अच्छा काम करेगा। वो सिंगल ड्रग नहीं चलेगा कि केवल वही लगा दें। तो अब ये बेर की पत्ती, बेर तो सबने खाई है जी, है, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा व्रण रूपक है। व्रण रूपक मतलब घाव भरने वाली मेडिसिन। अच्छा, ये बेर की पत्ती का, बेर की कोई भी जैसे घाव हो गया, चोट लग गई, जैसे जंगल में हो, अब नहीं है कोई ड्रग तुम्हारे पास, तो बेर की पत्ती को लो, उसको कुचल लो, और अपने घाव को पानी से अच्छे से साफ करके उसका पेस्ट लगा दो, तो वो मतलब एंटीसेप्टिक भी रहेगा और घाव भरता भी है। बेर की, इसकी पत्ती की पहचान क्या है फिर, समझेंगे कैसे यार? नहीं, बेर की पत्ती सभी लोग जानते हैं यार, अपन ये बेर ही है ये ऐसे। अच्छा, इसमें एक देसी बेर भी होता है, ये दूसरा बेर है। अच्छा, एक वो देसी बेर होता है, उसकी पत्ती और छोटी होती है, जो अपन बचपन में बेर तोड़ के खाते थे। ठीक ठीक ठीक। तो ये उस काम आ गया। चलो, जय श्री राम, देखते हैं चलती है। राम जी की। Come on. टू एच और बढ़िया, गाड़ी चालू हो गई है, चल रही है और चल गई, चल गई, चल गई। ये वाह, दूसरी बार जब मैं फिर बैठूंगा, हाँ, तो चल जाएगी, गजब, ये सही हो गया। देखो देखो, एमपी पुलिस आ रही है। सलमान का फिर से चश्मा लगा, सलमान का चश्मा तो तुम्हारे ऊपर भारी नहीं पड़ गया? सलमान ने कहा कि मेरे फैन ही मेरा चश्मा लगा सकते हैं बस। हाँ यार, कोई अक्षय का फैन मेरा चश्मा नहीं लगा सकता। अरे बाप रे, अरे उसके देखो ना, वो टायर वायर उसके पीछे ही डाल रहे हो। आगे ये चक्का वो से बाहर निकल गया, नीचे ही आ गया। बाप रे बाप, मेरे पेड़ से भिड़ा है ये, पता है ड्राइवर बच गया, पेड़ से भिड़ा है, अकेला ही भिड़ा है, और कोई नहीं भिड़ा है। अरे बाप रे, अरे ये गिर गया था, इसको सीधा करें हैं। अरे वहां गिरा था, उधर पीछे पेड़ गिर गया, we'll be right back.
should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would I do? Hello, dear pillar, come baba. Hello, dear. जी अपना पिलर दिया है जी, यहाँ पे जी पत्थर दिख रहे हैं, जब मुका वो कृष्ण भगवान का मंदिर बताया गया, बस मंदिर था। अच्छा, कृष्ण भगवान का मंदिर भी था, मंदिर था। विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का। अच्छा अच्छा, ये कब लगा, कब बना है ये? ये है करीबन 2000 साल पुराना। पिलर ही 2000 साल पुराना है? जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 150 साल पहले बना है। ईसा पूर्व तो 2000 तो हो ही है। हाँ, फिर उसके नाम पे हो गया वो, उसको मोहर लगा रहा फिर। हाँ, वही वही वही। नहीं तो उसके पहले जानता नहीं था ना यार इसको कोई, उसकी वजह से जानने लग गए ऐसा है। उसने हिंदुइज्म अडॉप्ट किया था आके, धर्म अपना। ये है, ये जो है ना हेरोडुलस, उसने क्या किया था, वैष्णो धर्म यहाँ से आके उसने वैष्णो धर्म अपनाया था। अपनाया हाँ, यहाँ के राजा कोई था, उसके यहाँ वकील था लिखा हुआ है। हाँ, राजा के पास वकील था और उसने भागवत भागभद्र राजा भागवत वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था। और ऐसे खम्भे 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, अर्थात हजरत हजरत क्यों लिखा है, ईसा से करीब 150 साल पहले बना। हजरत जो हजरत ईसा, अच्छा, जीसस क्राइस्ट। हजरत मतलब एक सम्माननीय शब्द की तरह उपयोग किया वो, क्योंकि देखो इस्लाम में ईसा बोलते हैं ना, वो ईसा सलीह हजरत हजरत लिखा। यार ये तो ये भाषा, ये ग्रीक है, ग्रीक है। अच्छा, ग्रीक भाषा वो दिखाई आप, वो ग्रीक भाषा में लिखा। अब उसने क्या लिखा है ये अपन को नहीं समझना है, अब ग्रीक पढ़ना पड़ेगा। आएगा ना तो ये ग्रीक लैंग्वेज है क्या, ये कुछ और है? कितना अच्छा यार, पर समझ में नहीं आ रहा उसको ग्रीक। यार हम लोग इस खंबे के आसपास घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और 2000 से ज़्यादा साल पुराना ये खंबा है, छू के अलग ही फीलिंग आ रही है। कितने जन्म हम आए हैं यार। हाँ, क्या पता क्या पता यार कितनी बार आए होंगे, 2000 साल पुराना है, बाप रे गजब। ये सब ग्रीक में लिखा है यहाँ पे। ट्रांसलेट हुआ क्या? ट्रांसलेट भी कर रहे थे हम लोग, देखते हैं। बाकी बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यहाँ इतना पॉजिटिविटी है काफ़ी, अच्छी जगह, बहुत अच्छा, छोटी सी जगह पर अच्छी मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। ये पेड़ भी उतने ही पुराने होंगे। अरे और यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर भी था जो अभी अब नहीं है, यहाँ टूट गया होगा शायद, टूट गया पहले से, इसको तोड़ा गया और उसके वो अवशेष रखे तो हैं वहाँ पे वो। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे और कुछ मिल जाएंगे आसपास रखी हुई, और पढ़ते हैं वहाँ पे शायद कुछ और नॉलेज मिल जाए। अरे वो तो है ही, चलो वो। और ये देख के हमको एरन याद आ गया, क्योंकि ये गरुण स्तंभ एरन जिला सागर हम लोग जा चुके हैं, है ना, तो इसका व्लॉग भी डला हुआ है, तो जिसको अगर देखना हो तो देख लेना। तो ये और ये जो है ना ये रिलेटेड है, इसके ऊपर का जो वो है ना वो वहाँ रखा हुआ है, वो देखो वो टूट गया वो, लेकिन इसका साबुत है एरन का, तो एरन का अगर देखना चाहते तो ये तो देख सकते हैं। बाकी ये भी बहुत शानदार है, ये सब मैंने देखा हुआ है, अच्छी बात है। आसपास घूमते रहो ना तो इसे रिलेट भी कर पाते हैं, मतलब एरन भी गए हैं फिर अब यहाँ पे भी आ गए तो हम रिलेट कर पा रहे हैं कि वहाँ कैसा था यहाँ कैसा था, तो मज़ा आता है। इसलिए घूमते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए नई नई जगह जहाँ किसी को पता भी नहीं है। जैसे वहाँ पे भी सब वो चेन वेन से लगा हुआ था तो हम लोगों ने खोला और उससे हम लोग आ गए अंदर, तो गार्ड वार्ड सब बैठे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है भोपाल के आसपास की हैं, तो ये सब देखना चाहिए। पहले वो लोग ऐसे पहनते थे ना? नहीं नहीं, पर उसको तो उसने लिंग बनाया है ना, उसका ये बताने के लिए कि ये आदमी है लिंग। हाँ, और ये पेड़ भी कितना पुराना होगा, बहुत सुंदर, ये भी 2000 साल पुराना। अरे बाप रे, हाँ ये पेड़ पे तो ध्यान ही नहीं गया। और क्या,
अरे ज्यादा होगा बेटी वाला, अरे बहुत खतरनाक है वो, मोटा देखो ना बहुत है। अरे इधर से मोटाई तो यहाँ से दिख रही है, यहाँ से दिख रही है भाई मोटाई तो, बाप रे खतरनाक यार, अरे बाप रे। और काफी ऊंचा वहां तक है बेटा, था उतना ही मोटा देखो वो, उधर उधर तक एकदम एक नंबर। पेड़ नीचे नहीं होते, हाँ इतने तो पेड़ नहीं होते, जो एक तना जो है उसका। हाँ और ये ऊपर इतना हैवी पेड़ खड़ा है जमीन में, कितने इसका दुगना नीचे होगा। सही बात है, जब तो पानी खींचता होगा। बाप रे यार, ये पेड़ में है कुछ बात, अति सुंदर, वाव है ना, एक नंबर गजब। पता है ये डायनासोर के युग का नहीं होगा, क्योंकि 2000 साल है ना यार, डायनासोर तो 10000 साल 1,00,000 साल पुरानी चीज है। तो अपन को क्या पता, ये हो सकता है 5-6 हजार साल पुराना है। उसके बाद में आप एक जना कोई भी चढ़ गया, उम्र भाई नहीं है, हाँ नहीं है उमर भाई नहीं, उसके कारण कजाक वो चले गए, तो आप याद आएगी, तो आप याद आएगी, तो आप याद में कर ले, तो हमारा दोस्त था। सही बात, तो बदोस्त के कारण फिर वे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो भी एक आत्मा बन जाते हैं, लगाव के कारण, मिलाव के कारण, तो वो आत्मा बन जाती हैं, तो वो अपनी आत्मा से मिला कर इस तरीके से वापस करना पड़ता है, वापस कर दिया कि हमने वहाँ पे कर दिया, अब ये यहीं पे बस। जैसे कि आपने जो खाने में पसंद हो, तो इनसे फिर बाद में मांग सकते हैं आप, मुझे दे खिला, आप तो खिलाना पड़ेगा, जब तो उसका फिर एक गुनिया ढूंढना पड़ेगा आप, जैसे पंडा बोलते हैं, तो ये काम करने के लिए भी दूसरे लोग, तो ये मुक्ति मिल गई या पेड़ में ही अपन ने, नहीं यहाँ पे धीमल लोग पूछते हैं, वो भूत पलित उठाते हटाते हैं जी, और इस पेड़ में कील देते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें कर दिया मतलब, हो गया इसमें चले जाते हैं, तो इसमें छूने से पास रहने से दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं छूने से पास रहने से नहीं, निकालना नहीं, जैसे कि निकालने से दिक्कत, मुक्त हो जाएगा भूत का, डेट भी नहीं हुई, नहीं तो वो वापस हो सकता, और वो अपन तो ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसको, हां रिस्पेक्ट तो है ही, कोई बात नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं समझते, वो रिस्पेक्ट नहीं समझते, ठीक है पानी लगा दो, वो तो उनका तुमने हाथ धो लिए तुरंत, हाथ धो लिए, तुम तो बहुत अच्छे से फील कर रहे थे उसे, फील कर रहे थे, नहीं अपन कुछ साथ में एनर्जी हटाओ ना साथ में हाथ से, इसलिए कोई भी आजकल के इंसान ना भूतों से भी ज्यादा खराब, हाँ बात तो है, वो आदमी ज्यादा जोर जोर से लेने कोई दिक्कत नहीं, बड़ी यार कोई अरे ये हाँ हाँ वो तो, अरे वाह कुकुर मुत्ता गांव में यही बोलते थे, तो कुकुर मुत्ता ही बोलते ना, हाँ बनाते ही बनते, वो दूसरा होता है, खुद ही खाते हैं कुकुर मुत्ता, सर ये थोड़ी है कुकुर मुत्ता ही है ये, मगर इस खाने वाले कुकुर मुत्ता नहीं है, ये तो जहरीला भी हो सकता है, ये जहरीला वाला ही है लेकिन सुंदर है। एक लॉजिक इसका ये है कि जैसे कोई भी पौधा तुमको देखने में आकर्षक लग रहा है ना, तो उसका 99% मतलब ये रहता है कि जहरीला पॉइजनस है ना, और यही लॉजिक इंसानों में भी लागू होता है। अच्छा। अगर कोई इंसान तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब 99% वो गड़बड़ है, अपने लिए जहरीला। हाँ तो ऐसे तुम कोई भी पौधा देखो, अगर वो चटक लाल दिखे जैसे गुंजा गुंजा, अब देखो आप कितनी आकर्षक है, ऐसा लगता है कोई बीज आंख है उसमें कोई देख रहा है, आकर्षक उठा लो, वो जहरीली है। तो ऐसी ही कोई भी चीज तुमको लगे यदि कि भाई यार ये तो बहुत अट्रैक्टिव, मजा आ गया देख, तो समझ जाओ मतलब ये सही है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, नहीं होना चाहिए ना, तो सही है, नहीं ज्यादा जहरीला नहीं है वो, कम है वो, पेट बस खराब होगा उसको खाने से। इसके बारे में भी बताया उन्होंने, क्या बताया एसआर किया उन्होंने, पुराने जमाने में पति पत्नी एक साथ ही मरते थे ना, अगर पति सती होते थे तो ये वो देवी, वही तो कह रहा हूँ ना, चूड़ी पहनी हुई है ना, तो वो सती सुहागन ही मरना है ना, और एक फूल है, चांद है, सूरज है, और नीचे पति पत्नी है, जो एक पुरुष है एक स्त्री है, बस साथ में जान आए हैं, साथ में जाना है। बाकी यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगा, प्राचीन चीज हमको देखने को मिला यहाँ पे। And now I'm stuck in this loop again. You got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. Would you be my foreign? Oh, what is this?
गोल्फ है क्या अंदर? हो सकता भाई, तुम लोग उतर जाओ यार। यार यहाँ होगा बेटे दादा नॉनवेज, पक्की बात है। उतर जाओ, ड्राइवर साहब गाड़ी लगा के आएंगे। ऐसा है क्या? ड्राइवर साहब गाड़ी उतार, हाँ तुम लोग निकलो, हम ड्राइवर, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ दोनों को उतर जाना। हाँ इन दोनों को उतार। अच्छा तुम चेक इन पूछ लेना, बाथरूम आज करो जब तक, फिर बाद में। गोल्फ कार्ट अवेलेबल, 100 रुपए पर पर्सन। लो गोल्फ कार्ट अवेलेबल, वो लिखा है वो, कम ऑन मेरे। कौन सा देखने जा रहे हैं भैया अपन अभी? स्वीट। हाँ चलो चलो ठीक। अरे वाह, पर्दे वर्दे देखो कितने अच्छे हैं यार, यहाँ से तो व्यू मिलेगा अच्छा। आओ बेहतरीन। अरे वाह यार मेरे, काफी बड़ा ये तो। बाथरूम वेरी नाइस। लो भाई मतलब सीधे जैसे रिबन काटते ना वैसे। अरे वाह एक नंबर काम यार मेरे। अरे ये तो बेटू दादा है गजब। हाँ यार बहुत बढ़िया यार, मस्त। इसका डेली का रेट चेंज अलग रहता है, शनिवार रविवार टूट जाता है। तो अभी शनिवार रविवार का क्या है? 3500 के आसपास पड़ता है। 35 के आसपास। और नॉर्मल डेज में 200-200 रुपये कम हो जाता है। अच्छा ज़्यादा अंतर नहीं है, है वही। चलो बढ़िया है, धन्यवाद भैया आपने दिखा दिया। कैसा प्रोग्राम है बताओ यार, मैं सोच रहा हूँ कि अपन वाटर शो देख लेते हैं सांची का। हाँ। स्तूप का। हाँ। जब तक 7 बज जाएगा तो वो चिकन सर्व करने लगेंगे, तो फिर अच्छा। अपन चिकन खा लेंगे। और चिकन खाना बहुत जरूरी है क्योंकि गणेश जी में अपन ने चिकन नहीं खाया था बिल्कुल। चिकन खाना जरूरी, मर रहे चिकन खाने के लिए, चिकन खाना जरूरी है। अच्छा should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. चलो भाई चलो चलो चलो, बैठे हो ना अच्छे से, पीछे भी बैठ सकते हैं लेकिन दिखेंगे नहीं इसलिए। हाँ वीडियो में नहीं आएंगे इसलिए ऐसे, ठीक है। चलिए भैया बढ़िया घुमा दीजिए। ये निकल चुके हैं हम लोग। ये हुआ टूरिज्म, टूरिज्म ये हुआ। और गो कार्ट की जो फीस होती है और जो लेजर शो की, लेजर शो की 50 रुपए पर हेड। हाँ तो वो वहीं पे होती है, वो एमपीटी के यहाँ पे नहीं होगी। और वो कैश ही देना पड़ेगा। हाँ, वो कैश ही देना पड़ेगा, वो कैश देना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पे अगर मान लो कार्ड चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कैश लगेगा। हाँ उतना कैश तो तुम रखी हो ना? उतना कैश तो है बस। ठीक है भैया चलो कम ऑन, मजा आ रहा है। ये अपने को लेके जाएंगे, वहाँ रुकेंगे अपन, घूमेंगे, वो देखेंगे, फिर वापस आएंगे। ये शो कब से स्टार्ट हुआ है? इसको 2 साल हुआ सर, 2 साल से स्टार्ट हुआ है। आप बोले सर इतने हमने घुमा हुआ है। नहीं ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा। आप पूरा घुमाइए। हमको दूसरा लग रहा था, हमको लगा कि स्तूप में कोई लाइटिंग वगैरह होती होगी। टाइम है शो चलेगा जहाँ पे, जब तक राउंड मार के आते हैं। अब इसमें तो यार नाइट मोड होता अपने पास तो आती मजा। ज्यादा लोग नहीं आए, अभी लोग आए नहीं, आएंगे तो फिर उनको मिल जाएगा कैश। ये सब दिख रहा है दूर दूर तक। यहाँ तो पैदल पैदल भी लोग घूमते होंगे। हाँ पैदल घूमते हैं ना, जो रुका है तो वो तो आए। और ये काफी अच्छा और बड़ा बनाया है। लाइट शो तो खेलने वाला है क्या? भूल जाते हैं कहाँ से आए थे, कहाँ। अच्छा तो ये कर सकते हैं क्या? देख लीजिए। अरे वाह चलो चलो, भूल भुलैया देखेंगे यार। ये भूल भुलैया है यार, इसमें कहाँ से आए थे कहाँ जाएंगे समझ नहीं आता, तो चलो इसमें आके देखें। चलो अब घूम, इजी तो लग ही रहा है।
हाँ ये तो मुझे इजी समझ में आ रहा है, इस इसमें कहाँ अपन घूमेंगे, घूमेंगे मतलब सॉरी। तो ये बना दो, ये बना बनाया रखा है, ये बना दो मेरे फटाक से। नहीं नहीं वो नहीं बोल, ये बनाओ हाँ अब सही बन रहा है, वेरी गुड। हाँ लगाओ ना, लगाओ सही, ऐसा रियन वो सही है नहीं तो, वो भी गलत है, गलत है, गलत है, इसका पैर, इसका पैर भी गया, इसका पैर में नहीं। अच्छा ये खेलने का भी है बेटू दादा, इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ और फिर जो आए वो करो। अब ये दिन में ये कैसे तुम फोटो खिंचा सकते हो, इसमें फोटो तो आएगी नहीं तुम्हारी। फ्लैश चालू करना एक बार। हाँ ये अरे अरे चलो चले सर। हाँ चलो चलो। ऐसी भूल बच्चों की है यार। हाँ बच्चों की नहीं है, दो दो फुट वाले बच्चों की। मंत्र तो ऐसे लिखे है ना, मंत्र वैसे लिखे वही सही है, मंत्र ऐसे पढ़ोगे तो ये मणि पद्मे ऐसे चलेगा ना, तो ऐसे तो जाएगा ना, तो यही चल ऐसे। अगर आपका ऐसे यहाँ से चालू हो हम पढ़ते हैं ना, तो आप ओम यहाँ से पढ़ रहे हो। हाँ नहीं 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 हाँ 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 सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अरे वाह यार बड़ा सुंदर है ये तो, ओह गजब, अरे तो बहुत सुंदर है यार, बहुत अच्छी जगह आ गए अपन तो। अरे प्रोजेक्टर है, नव पाषाण काल के तरीके से मिट्टी और चट्टान का उपयोग करके बना। अच्छा ऐसे अलग अलग लिखा है इसमें, बौद्ध वैदिक पीरियड में मिट्टी का यूज ज्यादा है। तो मेरी फोटो की इसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर चीज बहुत सामान्य लॉजिक है, रिफ्लेक्ट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऊपर रिफ्लेक्शन दिया है। अरे कितना कलर कलरफुल है यार, कितना कलरफुल है यार। ये भी है क्या कुछ, अरे इतना एच डी और इतना अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है देख के यार, गुड। तो रिकॉर्ड कर देख, मैं बोलता हूँ कम ऑन, लो वो नीचे चैलेंज ये है बोधि वृक्ष। इसके बाद उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया, जिसके वर्तमान प्रयोजन नगर में बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें कोई सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वहाँ को छोटे जाएंगे। उनके पाँच सहयोगी मानकर उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हें नहीं पढ़ पाया, नहीं नहीं तो वो टाइम कम। कहाँ पे जी वो है सर, रेस्टोरेंट लेकिन बंद है। अच्छा अच्छा बंद है, यार यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को बिल्कुल भी। इधर से ये क्या है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा है। अरे अब स्टार्ट हुआ, इंतजार कर रहा। अच्छा अच्छा। रोग और मृत अवस्था का चक्र देखकर गौतम को जीवन की व्यर्थता का अनुभव हुआ। और वेदना से परे जीवन की कुंजी उन्हें पुकार रही थी। ऐसी विचलित अवस्था में उन्होंने अपने पिता से कहा, लेजर लाइट क्या फाउंटेन शो, वाटर शो, वाटर शो, वाटर शो इतना शानदार था, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तो कुछ अलग ही लेवल का। मुझे वाटर शो लगा कि ऐसे पानी के फुहारे म्यूजिक के साथ आएंगे और वो कुछ बोलेंगे, इतना तो मैंने सोचा था। वही वही आया हाँ।
तो यार फाइनली खाना खा लिया हम लोगों ने और अब आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। और खाया है चिकन रोगन जोश, है ना, वो मैंने पहली बार रोगन जोश चिकन रोगन, सॉरी हाँ मटन, हाँ मटन मैंने पहली बार खाया है और मुझे मटन ज़्यादा अच्छा लगा, बटर चिकन बेटू आता को अच्छा लगा, नहीं बटर चिकन नहीं चिकन चिकन रजाला चिकन रजाला। तो मुझे तो यार मटन पसंद आ गया, अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं कहीं जाऊँ तो मटन रोगन जोश ही ट्राई करूँ, है ना। तो अब आइसक्रीम आती है फिर घर चलते हैं। यार पहले तो सोच रहा था मैं कि गाड़ी वाड़ी दिखा के थोड़ा घर में एंड करूँगा, लेकिन अभी अंधेरा इतना हो गया ना, काला मज़ा भी नहीं आएगा। तो ब्लॉग को सोचा है कि MPT की होटल में ही ख़त्म कर देते हैं। तो कैसा लगा यार सबको, मज़ा आई? बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ बी हेल्दी।